जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी और परम पिता परमात्मा की कृपा से देव राधा ट्रस्ट के माध्यम से आप ज्योतिष रहस्य सुन रहे हैं। यदि मनुष्य थोड़ा बहुत भी जाग जाए तो उसके घर में बहुत सारे नुकसान से मनुष्य बच सकता है। यदि आप सब मेरी आवाज सुन रहे हैं और अच्छे से समझना चाहते हो कि घर में कष्ट नहीं आए, दुख नहीं आए, परेशानी नहीं आए, तो जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको स्वर्ण अक्षरों में लिखवा लो। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे सुखी रहें या आप सुखी रहो, तो जो बोलने जा रहा हूं इनको बिल्कुल दिल दिमाग पर चिपका लो। लड़कों को, लड़की को भी चिपकवा दो। जन्म पत्रिका में यदि किसी भी बालक या बालिका के कालसर्प दोष, मांगलिक दोष हो, तो मान के चलो उसका दो विवाह होगा ही होगा। यदि कालसर्प दोष है, पितृ दोष है कह लीजिए, या मंगल दोष है, तो कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, उसके दो विवाह होंगे। इसलिए पहले विवाह में कभी भी ज्यादा पैसा खर्च मत करो, क्योंकि पैसा खर्च करने का मतलब पैसा पानी की तरह बहाना है, क्योंकि दूसरा विवाह तो करना ही करना है। अब आप बैंड बाजों पे खर्च करोगे, लाइट पर खर्च करोगे, ढोल नगाड़े पे खर्च करोगे, रिसेप्शन में खर्च करोगे, सोने चांदी देने में खर्च करोगे, फर्नीचर देने में खर्च करोगे, दान दहेज देने में खर्च करोगे, वो सब पैसा आपका बर्बाद हो जाना है। तो जो मंगलिक होता है, कालसर्प दोष वाला होता है, पितृ दोष वाला होता है, जिनके किसी में किसी की भी पत्रिका में यह तीन दोष हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके दो या दो से अधिक विवाह होते हैं। अब आप कहेंगे साहब हम तो अनपढ़ हैं ज्योतिष के मामले में, कैसे पता करें कि साहब कौन कौन से दोष हैं? तो आप जिसकी आवाज सुन रहे हो उनसे संपर्क कर लो, या आपके आसपास कोई ज्योतिषी है, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। आजकल ये छोटे छोटे से टटपुंजे ज्योतिषी अपनी दुकानदारी को बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं, आता जाता कुछ नहीं, गलत सलत पत्रिका मिलान कर देते हैं। तो किसी अनुभवी व्यक्ति के पास जाना है जिसकी बाल सफेद हो गए हो, जिसकी जिंदगी गुजर गई हो पत्रिका देखते देखते, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के आपको तीन प्रश्न करना है कि साहब मंगल दोष है क्या, कालसर्प दोष है क्या, या पितृ दोष है क्या। बस ये तीन दोष के बारे में पता कर लो। यदि हो तो ज्यादा पैसा खर्च मत करो पहली शादी में। और आजकल पंडित जी लोगों ने एक धंधा बना लिया, वो भी बता देता हूं। क्या धंधा बना लिया कि साहब मंगल दोष हो तो घट विवाह करा लो। आप तो लड़की है तो उसका घट घट के साथ विवाह कर देते हैं। कहते साहब एक विवाह हो गया इसका, अब दूसरा विवाह नहीं टूटेगा। वो सिर्फ चौंचलेबाजी है, कुछ नहीं होता उससे। मैंने कई मनुष्यों के मुख से सुना जिनके तलाक हो गए कि साहब हमने तो दो दो बार विवाह के पहले दो दो बार घट विवाह करा, यानी हमारी लड़की विवाह के पहले दो बार विधवा हो गई, फिर तीसरा विवाह किया हमने, फिर भी वापिस आ गई। यानी कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो श्राप लगा हुआ है, दोष लगा हुआ है, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। ये टोने टोट के कोई काम नहीं करते। ऐसे ही पुरुष के मामले में है, अर्क विवाह करवा देते हैं पंडित जी लोग, कहते लाओ साहब 5,000 रुपए दे दो, विवाह करवा दिया हमने, क्योंकि तुम्हारी पत्रिका में तुमको विधुर होने के योग है, तुम्हारी पत्नी छोड़ के चली जाएगी, तुम्हारी पत्नी मर जाएगी, तो अर्क विवाह करवा लो। तो अर्क विवाह भी करवा देते हैं, फिर भी छोड़ के चली जाती है।
इसका मतलब बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल, जो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, जो लिखा के लाए हैं, उनको तो भोगना पड़ेगा। उनकी पोटेंसी कम कर सकते हो बस, पर भोगना तो पड़ेगा। तो काल सब दोष वाले लड़के लड़की से, यदि आपका लड़का या लड़की सिंपल हो, काल सब दोष, मांगलिक दोष, नाग दोष, पितृ दोष न हो, तो उसकी शादी कभी भी कैसी भी हालत में, चाहे वो ऐसे ही रह जाए बिना विवाह के, ज्यादा अच्छा। परंतु काल सब दोष, नाग दोष, पितृ दोष वाले से विवाह मत करना, अन्यथा कलंक तो लगेगा ही लगेगा, और विरह की अग्नि में उस लड़के को जलना पड़ेगा या लड़की को जलना पड़ेगा। वो बाप को जब देखता है विरह की अग्नि में अपने लड़के या लड़की को जलते हुए, तो उसकी भी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। वो फिर दूसरी शादी करने के लिए उनके लिए तैयार हो जाता है कि चलो दूसरी शादी कर दें। और जिसका मंगल दोष हो, 28 साल के पहले शादी नहीं करना चाहिए, अन्यथा तलाक या फिर विधवा या फिर विदुर, कोई ना कोई मर जाएगा। ये मेरी जिंदगी का 25 साल का अनुभव बोल रहा हूं मैं। इसलिए, और जिस स्त्री या पुरुष को पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पिताजी का श्राप हो, बहनों का श्राप हो, भाई का श्राप हो, नौकर चाकर का श्राप लगा हो, गुरु का श्राप लगा हो, ऐसे से भी विवाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी लड़का या लड़की 2 साल 5 साल 10 साल के बाद अलग अलग होते ही होते हैं, क्योंकि श्राप वो तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। एक बार श्राप यदि किसी ने दे दिया, हाय बद्दुआ दे दी, तो वो तीर के माफिक निकल जाती, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं होता है, कोई प्रायश्चित कर्म नहीं होता है। इसलिए कहते हैं भैया, किसी की हाय मत ले, बद्दुआ मत ले, क्योंकि हाय बद्दुआ का मतलब है तीर चल जाना। अब आप इतनी ढाल तैयार करो कि वो जो तीर आ रहा है, वो तीर को आप रोक सको या उस ढाल पे ले सको, ताकि आपको नुकसान न पहुंचे। और ऐसा आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान हो तो आपके पास समय नहीं है, वो ज्ञान भी है, समय भी है, तो भगवान आपको ठन ठन गोपाल यानी दरिद्री कर देगा। तो आप कहोगे साहब मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे करूं? तो किसी न किसी चीज की ईश्वर कमी कर देता, ताकि आप उसका कुछ प्रायश्चित नहीं कर सको। और जो हाय बद्दुआ है, वो तो भोगना ही भोगना पड़ेगी, और वो भी पिछले जन्म की हाय बद्दुआ, चीख चीख करके उसकी आत्मा ने आपको बद्दुआ दी होगी। जब जैसे बहनों का श्राप लगा हुआ है, तो बुद्धि खराब कर देती है, वाणी खराब कर देती है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं होती है। यदि पिता ने हाय दी, बद्दुआ दी, तो आपको घर परिवार नहीं बसने देगा। यानी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पिता की बद्दुआ लगी हुई है, हाय लगी हुई है, तो इस जन्म में आपका परिवार नहीं बसेगा, आपके यहाँ वंश वृद्धि नहीं होगी। होगी यदि किसी भी वजह से, यदि आपने पुण्य कर्म करके उस शादी को रोक भी लिया, तो लड़कियां ही लड़कियां पैदा होगी, और कई बार तो वो भी पैदा नहीं होती, सिर्फ पति पत्नी रह जाते हैं, बच्चे ही नहीं होने देता। इसीलिए कुंडली अवश्य चेक करवाओ, और ज्योतिष के जो नियम है उनका पालन करो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं विवाह नहीं हो रहा है। 25 साल 28 साल 30 साल 35 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा है। तो कहते साहब जैसी लड़की मिले वैसी लाओ आप, तो जो होगा देखा जाएगा, मर जाएगी तो मरने दो, भाग जाएगी तो भागने दे, पर अभी तो मेरे को विवाह करना है। मरे जाते हैं औरत के लिए, और औरतें आदमी के लिए मरी जाती है, क्योंकि ईश्वर ने, प्रकृति ने ऐसा बनाया है। कामाग्नि, उस कामाग्नि को शांत तो करना पड़ेगा ना, उसको शांत करने का तरीका है ईश्वर में लीन हो जाना, ईश्वर को समर्पण कर देना। पर आज के जमाने में कौन करता है? कोई नहीं करता है। इसलिए
विधि विधान से पत्रिका चेक करा करके ही आपको विवाह करना है। तो ये नियम का पालन करें, देख लें, एक दो बुजुर्ग व्यक्तियों को फीस देकर के, शुल्क देकर के, दक्षिणा देकर के पत्रिका को चेक करवाओ, अपनी भी और जिससे शादी होने वाली है उसकी भी, दोनों की पत्रिका चेक करवाएं। प्रश्न करें कि मंगल दोष, काल सब दोष, नाग दोष, पितृ दोष और श्राप, ये वही बता पाएगा जिसको जिंदगी का पत्रिका देखने का ज्योतिष का अनुभव होगा। अनुभवी व्यक्ति के पास आपको जाना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। एक चीज और ज्ञान दे देते हैं आपको, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि उन नक्षत्र में उत्पन्न कन्या या लड़का यदि पैदा हो जाते हैं तो विवाह होने के बाद में, हम लड़की की यदि बात करें तो कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं यदि उनमें लड़की उत्पन्न हो जाए तो विवाह के बाद वो अपने ससुर को खा जाती है। यानी जैसे ही विवाह होकर के वो कि अपने ससुराल में आती है, साल दो साल के बाद ससुर जी टपक जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्रिका में लिखा हुआ है कि ये ससुर के ऊपर भारी होगी, ऐसी लड़की को मत लाओ। अब ये भी वही बताएगा जिसका बाल सफेद हो गए, अनुभवी व्यक्ति है। कई बार ऐसी लड़कियां कुछ जेठ के ऊपर भारी होती है, तो जो ज्योतिषकार होता है, जानकार होता है, पत्रिका मिलान करते समय बता देता है कि साहब ये आपका लड़का, यानी लड़की की शादी जिससे हो रही है ये सबसे बड़ा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका कोई जेठ नहीं होगा। परंतु यदि छोटे लड़के से हो रही है और उस औरत को लेकर के आगे उस लड़की को ले आए जो कि जेठ को मारने वाली है, उसकी शादी होते से ही जेठ की बर्बादी चालू हो जाती है, तो ऐसी कोई मत लाओ, अन्यथा ऊपर वाला बड़ा भाई बर्बाद हो जाएगा। कुछ लड़कियां ऐसी पैदा हो जाती हैं नक्षत्र के अनुसार कि जैसे ही ससुराल में आती वो अपनी सास को खा जाती है, या तो सास बीमार पड़ी रहेगी हमेशा, वो भी कहेगी करे जब से ये शायद आई है तब से मैं बीमार पड़ी हूं, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूं, या फिर कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि साल दो साल में वो भी टपक जाती है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हर मनुष्य के ऊपर पड़ता है। तो ऐसी लड़की से भी विवाह मत करो, ये भी पूछो कि साहब ये लड़की किस पे भारी है, अपने बाप पे भारी है कि अपनी माँ पे भारी है, कि ससुर पे भारी है, कि सास पे भारी है, किस पे भारी है। और ऐसे ही पुरुष के मामले में होता है कि कई बार बच्चा मूल में पैदा होता है तो पता लगाया जाता है किसका मूल है, किसके ऊपर भारी है, माँ के ऊपर भारी है कि बाप के ऊपर भारी है। तो कई बार वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बाप एक समय के बाद मर जाता है, बाप का प्यार नहीं मिलता उसको, क्योंकि बाप का बहुत भारी रहता है वो, यानी पिछले जन्म में उसी पिता ने उसी आत्मा के साथ जो बेटा बनकर के आ गया है उसकी संपत्ति जमीन जायदाद को हड़पा था, तो वही शत्रु जिसका हड़पा था वही बदला लेने के लिए इस जन्म में उसके यहां बेटा बनकर के आ जाता है। और जब वो पैदा हो जाता है तो बाप की मौत होना निश्चित होती है, क्योंकि उसकी संपत्ति जो बाप के पास संपत्ति जमीन जायदाद थे वो उसको वापिस मिलना है जो पिछले जन्म में उसने उससे छीनी थी। इसलिए पत्रिका अवश्य चेक कराओ कि बालक पैदा हो गया या बालिका पैदा होगी तो किसको खाएगी, खाएगी कि नहीं खाएगी, दरिद्री तो नहीं है, लक्ष्मी है या दरिद्रता आई है, ये जरूर चेक करवा लो। ये गुण रहस्य की बातें आपको किताबों में उपलब्ध नहीं होगी, सोचो विचारो मनन करो, ये सब सत्य है। यदि आपने अभी तक अपने बच्चों की पत्रिका चेक नहीं कराई हो तो करवाओ कि विवाह में कैसी रहेगी, विधवा योग तो नहीं है, तलाक के योग तो नहीं है, दो तीन शादी के योग तो नहीं है,
घर बनेगा कि नहीं बनेगा इसका? घर बनने के बाद क्या मर तो नहीं जाएगी? ऐसे बहुत से रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर आपको ज्योतिष के माध्यम से मिल सकता है। अन्यथा आप कहोगे ठीक है, भगवान ने जो लिख दिया वो तो हो ही रहा है, तो उस जगह आप ईश्वर शब्द यूज करते हो, भगवान शब्द यूज करते हो कि जो कर्म में लिखा वो तो होगा। अरे भगवान को पूछते नहीं हो, फिर कहते हो भगवान। इसीलिए जो जीवन की सच्चाई है उस सच्चाई से रूबरू हो जाओ, एक नहीं दो चार ज्योतिषी से पत्रिका लिखवाओ। तो मैं फिर पुनः कहूंगा, टट पुंजे अनाड़ी कम पढ़े लिखे ज्योतिषी के पास मत जाना, अनुभवी व्यक्ति के पास जाना है जिसने अपनी जिंदगी इस ज्योतिष के आधार पर ही अपनी परिवार को पाला हो, तो उसके पास एक अनुभव होता है, पत्रिका देखने का अनुभव होता है। यानी जैसा डॉक्टर होता है कि भैया वो रोज यदि 10-20-50 पेशेंट देखता है तो उसको अनुभव हो जाता है कि इसको कौन सी बीमारी लगी, सिम्टम देख के समझ जाता है कि ये बीमारी लगी, ये गोली देना है, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही ज्योतिषी भी यदि रोज 10-20 पत्रिका 5-7 पत्रिका रोज देखता हो तो ऐसे ज्योतिषी कुंडली देख करके समझ जाता है कि इसको क्या दोष है। तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति के पास जाना, क्योंकि उनकी निगाह और अनुभव वही काम आता है। यदि आप कुंडली चेक करवाना चाहते हो तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से 7649862712 और 7987237885 और ये दो व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पर आप संपर्क करें, कुंडली चेक करवा लें, ताकि आपको जीवन में कष्ट न हो, आपके बच्चों को जीवन में कष्ट न हो। कहीं ऐसा न हो कि आप अपने लड़के की शादी करें और आपकी मृत्यु सामने खड़ी हो, 1-2 साल के अंदर आप निपटने वाले हो, तो उससे भी बचाया जा सकता है। प्रायश्चित कर्म करके हर चीज को टाला जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, 2 साल के बजाय 10 साल बढ़ सकती है। तो मृत्यु तो होना है, क्योंकि उसको ब्याह करके लाए हो तो वो तो मारेगी मारेगी, परंतु टाइम पीरियड आगे बढ़ाया जा सकता है जप तप हवन अनुष्ठान दान धर्म के माध्यम से। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र का जो व्यक्ति रोजाना 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जप करता हो, तो इस मंत्र का जो अर्थ है, उसके जो वाइब्रेशन है, अर्थ के वाइब्रेशन, वो उसके ओरा के रूप में काम करने लगते हैं। भगवान शिव जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, मैं बार बार आपसे माफी मांगता हूं, त्राहि माम, मैं आपकी शरण में आया हूं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी जन्म का, मृत्यु का, व्याधि का और बुढ़ापे का, ये 4 प्रकार के कष्ट होते हैं मनुष्य को, इससे मैं पीड़ित हूं, मुझे मुक्त करें। पीड़ितम कर्म बंधने, मुझे इनके कर्मों से जो मैंने पिछले जन्म में किए उनसे मुझे मुक्त कर दो। तो ये बहुत बड़ा पावरफुल मंत्र है। यदि पिछले जन्म के कर्मों के पापों का नाश करना हो तो ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम नमः शिवाय।